कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। और आज हम आपको मिलवाएंगे दो आईआईटी जैम के एस्पिरेंट, जो कि दोनों के दोनों एस्पिरेंट्स चिरायु एंड कमल, ये आईआईटी जैम केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हैं और इन्होंने काफी अच्छे रैंक स्कोर किए हैं, मतलब काफी अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। और एक स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छी आईआईटी, मींस आईआईटी में जा सकते हैं और एनआईटी भी जा सकते हैं, वो उनकी चॉइस होगी, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने क्रैक किए हैं। और चलो अभी जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने मतलब पूरा 10 साल अगर पढ़ाई की है, 6 महीने पढ़ाई की है, कितना टाइम पढ़ाई की है, सब इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। और विदाउट गाइडेंस और गाइडेंस के साथ कैसी स्टडी होती है, ये आज आपको जानने को मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। हेलो चिरायु एंड हेलो टू कमल। ओके चिरायु, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर इंट्रोडक्शन। हेलो, माई सेल्फ चिरायु, आई एम फ्रॉम इंदौर और मेरी जो बैचलर्स हुई है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों ही मेरे सब्जेक्ट हैं और मैंने गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से किया है, डीएवीवी से। ओके एंड व्हाट अबाउट यू कमल? हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीदी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योर प्लेटफॉर्म। माय नेम इज कोमल, आई एम फ्रॉम यूपी इन वाराणसी। ओके अभी मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ। और तो फिर आपने आईटी जैम देने के बारे में सोचा क्यों, मतलब क्या ऐसा देखा कि हाँ ये मुझे क्यों देना चाहिए, मुझे आईटी से क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो मेरे कजिन भैया हैं वो अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो मुझे बोला था कि इधर से एमएससी मत करना, अगर एमएससी कहीं से करनी है तो आईआईटी हो गया, एनआईटी, नहीं तो आईसर, ऐसी जगह से करना, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोजर रहता है रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा रहता है और आगे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है उधर, तो इसलिए इसलिए यही एक रीजन था कि मैंने इस एग्जाम के लिए ड्रॉप ले लिया। ओके ठीक है, मतलब आपको आगे गाइडेंस मिल गई थी इसके लिए सही वाली। और आपने कमल? दीदी मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो मेरे कॉलेज में मैथ और फिजिक्स के दो मतलब लड़के थे, उन्होंने क्वालिफाई किए तो मुझे भी था, मतलब मैं डाली थी तो मुझे भी था कि मैं कर लूंगी। और फिर मतलब उतना वो नहीं था कि मतलब थोड़ा सा वो सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ लूं, ये इतना नहीं पता था, बट यूट्यूब से कंटेंट अच्छे मिलते गए, मैं उससे करती गई। और लास्ट में मतलब मुझे लगा कि मैं यूट्यूब से ही कर लूंगी, तो मैं किसी कोचिंग का नहीं ली और जो करी मेहनत से करी और उसका रिजल्ट तो आज देखने को मिल गया। और तो फिर आप लोगों ने स्टार्ट कब किया था, मतलब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे चिरायु आपने दिया था तो उसमें आपके क्या मार्क्स या रैंक रहा था फिर आपका, और वो सेल्फ स्टडी में दिया था या कोचिंग से? नहीं, मैंने मतलब जो जिस कोचिंग से मैंने अभी किया है उसी का मैंने रिकॉर्डेड लिया था, लाइव नहीं लिया था उस टाइम। तो उस टाइम जब मैंने की थी तो मुझे 7.5 मिले थे और मेरी रैंक कुछ थी अराउंड 11,000-12,000, मतलब बिल्कुल बहुत पीछे था मैं। तो उससे मेरे को आइडिया पता चल गया कि अपन मैं कितने पानी में हूँ, मतलब कितने आगे लोग हैं मुझसे और पढ़ना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दिया था, मतलब मैंने ऑर्गेनिक का एक चैप्टर किया और इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर करके गया था। अच्छा, बस ऐसी मतलब मेरी ऐसी एज इफ कोई प्रिपरेशन नहीं थी। अच्छा, क्योंकि आपको फाइनल ईयर में मतलब फिर आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब? वो फाइनल ईयर में मेरी जो सेकंड ईयर की एग्जाम जब खत्म हुई, मतलब का जो अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके 10 दिन पहले ही मैंने लाइव सब्सक्रिप्शन ले लिया था मेरी कोचिंग से और मैं तब से चालू कर। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपने मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं ली थी तब कि हाँ टीचर क्लासेस दे रहे हैं रेगुलर? हाँ, मैंने बिल्कुल रेगुलर नहीं थी, मतलब मैं हफ्ते में 3-4 क्लास ले लेता था। अच्छा, वो भी 1-1 घंटे की बस। और मैं मतलब ऐसा मेरे को पहले ऐसा था कि अगर मैं सिर्फ क्लास ले लूंगा तो मेरा हो जाएगा, मतलब मेरे की कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं तो सिर्फ क्लास के कर लूंगा। तो मुझे माइंड में था मेरे, पर फिर जब मैं जब पहली बार जैम का पेपर देने बैठा एग्जाम हॉल में, तब पता चल गया कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला मुझे। मतलब मैंने सिर्फ तुक्केबाजी में लगाई थी आंसर, सारे तुक्के लगाए थे मैंने आंसर, यहाँ तक कि मैं तुक्का लगाया था, एनएटी में भी तुक्का लगाया था मैंने। अच्छा, रिजल्ट तो 7.5 कुछ नंबर थे, मतलब पता लग गया था कि कैसे होगा पता ये लग फिर। गया था।
ऐसे नहीं होने वाले प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिर फर्स्ट टाइम देने का एग्जाम का, काफी अच्छा। ओके ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने दिया था तो आपके 11,000 समथिंग रैंक था, उसके बाद सेकंड बार जब हाँ दिया तो कितने नंबर, मतलब कितने रैंक पर जंप किया डायरेक्टली, अपने रैंक और नंबर दोनों मैंने बताइए। जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की रैंक है वो कुछ 11,000 है, सेकंड अटेम्प्ट की मेरी रैंक है 113, और 7.5 नंबर से 51.4 नंबर पे मैं आया हूँ। 51.4 नंबर, ओके कंग्रेचुलेशंस हाँ फॉर इट। और आईआईटी अब जा ही जाओगी, अब तो कौन सी आईआईटी फिर चूज कर हाँ रहे हो अब? आईआईटी अभी तो मतलब मेरी एक काउंसलर से बात चल रही है, वो बोल रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल ओके सकता है क्योंकि बॉर्डर लाइन पे हो, तो प्रेफरेंस तो आईआईटी दिल्ली ही है, और अगर नहीं मिला तो फिर कानपुर या रुड़की। खुशी कितनी है जाने की। खुशी तो बहुत है, मतलब मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब मैं कैंपस पे जाऊँगा, तब उधर का जो माहौल रहेगा, क्योंकि सब हटके आएगा वहाँ पे, जो भी जितने भी लोग रहेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा मिलेगा, मतलब लोगों से और सीखने का मौका मिलेगा, तो बस उसी का ओके वेट। ओके। और कोमल आपका कैसे जर्नी रहा था फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने का? फर्स्ट में तो जुलाई से मैं स्टार्ट कर दी थी, मतलब कॉलेज का भी पढ़ती थी और उसका भी पढ़ती थी। और फिर उसके बाद फॉर्म हम डाल दी तो थोड़ा सा एक प्रेशर हो गया कि मतलब 900 रुपया लगा है फॉर्म का, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये तो फिर होता है। मतलब ये नहीं पता था, हाँ ये नहीं पता था कि सेकेंड ईयर में अगर निकल जाएगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट मैंने मतलब कोशिश की, पूरी तैयारी कर ली थी, जो मतलब जो वेटेज टॉपिक थी उसको मैं कवर कर ली थी उसी टाइम। तो फिर मैं दी, मतलब सही है। हाँ हाँ चलिए बोलिए। फिर मैं दी तो मेरा 22 नंबर आया, जिसमें मतलब मेरी रैंक 4,000 कुछ थी। तो फिर मैं बोली कट ऑफ 25 थी मेरी, तो फिर मैं बोली अरे 3 नंबर से रह गया, नहीं कट ऑफ के बराबर रहता तो आज। फिर उसके बाद मैं बोली चलो से फिर से ट्राई करूंगी एक बाद। अभी तो मेरा सेकंड, फिर बाद में पता चला कि सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ नहीं होता है, थर्ड ईयर में ही होता है। तो मैं बोली उतना दुखी नहीं हुई, बट इस बार थोड़ा सा वो हुआ था कि मतलब मेरी वजह से, नहीं तो मेरा 44 रहा होता, निगेटिव हो गया। यार नहीं मतलब फिर भी मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिर्फ एक बात का ना पता होते हुए कि हाँ अगर ये क्लियर हो गया तो भी मेरे को एडमिशन नहीं मिलने वाली है, तो आप मतलब सीरियस हो गए उसको पढ़ने लगे और सेल्फ स्टडी से ही फिर आपने 22 मार्क्स भी ले लिए। यार बहुत सही में ये काफी इंस्पिरेशन वाली बात है, काफी काफी ज्यादा। क्योंकि दीदी मुझे, हाँ क्योंकि मुझे ना मतलब मैं घर पे भी पढ़ती थी और कॉलेज में मतलब अच्छे टीचर्स थे तो वहां पे भी हेल्प हो जाता, तो फिर मैं सेकेंड ईयर में कोचिंग भी करती थी सेकेंड ईयर की, तो वहां से तो ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगी। तो वही डेडिकेशन था मतलब थर्ड ईयर में कि नहीं मुझे आईआईटी क्लियर करना ही है, तो फिर हो गया और क्या। अभी आपके फिर और मार्क्स फिर कितने आए थे? उसके बाद इसमें 36.3 थी, जो रैंक मेरी है 524 है। हाँ अच्छा 524 है, मतलब आपको भी आईआईटी मिल जाएगी कोई ना कोई। आईआईटी, हाँ मतलब कभी कभी सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही। ओके अच्छा ठीक है। तो जैसे कि आप लोग मतलब के गांव से बिलोंग करते हो दोनों आप? हाँ मैं तो हूँ, नहीं ओके। और आप मैं इंदौर से हूँ। तो है अपने आईआईटी एग्जाम की मतलब कौन से मंथ से स्टार्ट किया था फिर सेकंड टाइम जब अटेम्प्ट करने लगे थे? ओके मैंने जनवरी से चालू कर दिया था, पिछले साल जनवरी से चालू कर दिया था, और जो पहले 2 मंथ्स है वो तो मेरे सेमेस्टर में निकल गए थे, तो उसमें इतनी ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई, बट जो मार्च एंड था उसके बाद से मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन चालू कर दी थी, मैं मतलब लग ओके गया था पीछे। ओके ओके। और आपने इसके लिए कोचिंग ली थी? हाँ मैंने कोचिंग ली थी कहाँ से ली थी? कैम अकेडमी, एम्मा एकेडमी से? कैम कैम अकेडमी। एकेडमी, ओके कैम एकेडमी से आपने कोचिंग ली थी। ओके तो फिर वहां पर मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे स्टडी वगैरह होती थी वहां पर, लेक्चर्स वगैरह कैसे मैनेज करते थे? सब अच्छा ही है, मतलब लेक्चर्स टाइम टाइम अपडेट हो जाते थे, वो एक
जो मैंने पैकेज लिया था उसमें वो हार्ड कॉपी में पूरा डिलीवर करते हैं मटेरियल। तो अच्छा वो एक मेरे को ये लगता है कि जो हार्ड कॉपी में जब हम सॉल्व करते हैं तो वो एक ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू कि जब हम सॉफ्ट कॉपी में देखें, क्योंकि ओके हार्ड कॉपी जो फील आता है लिखने का और सब करने वो एक ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो मुझे एक अच्छा लगा था, इसलिए सब मटेरियल मैंने हार्ड कॉपी में मंगाया था। तो एक वो अच्छा है, और लेक्चर्स अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, तो आप तो जानते ही हो। ठीक है। और कमल आपका मतलब आपने कब से स्टार्ट किया था सेकंड टाइम? दी मैं तो मतलब फरवरी में दी थी फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर का एग्जाम शुरू हो गया तो वो चला गया था मई तक। 10 मई ओ को जो मेरा लास्ट था, मैं ये सोची थी कि 10 मई को मैं आऊंगी तो रेस्ट नहीं करूंगी। मैं उसी दिन से ही स्टार्ट कर दी अपनी। फिर मैं मतलब कभी वो कभी नहीं कि चलो आज नहीं करते हैं कल करते हैं, मैं कंटिन्यू रही। और मतलब और जैसे होता है कि कभी कभी फंक्शन घर में हो जाते हैं अगल बगल में तो चले जाओ, ये सब मैं नहीं करती थी। मतलब मुझे पढ़ना अच्छा था तो मैं पढ़ती थी। हाँ, वाह और फिर ऐसे करके मेरा होता गया। और थोड़ा यूट्यूब से था ना, तो ये होता है कि यूट्यूब में कभी कभी वो जो वीडियो डालते हैं ना वो हटा भी देते हैं, तो ये डर रहता था कि हटा देंगे तो मैं कहाँ से देखूंगी। तो इसलिए अच्छा और मैं मतलब नवंबर लास्ट तक मैं मैक्सिमम अपना सिलेबस कर ली। फिर दिसंबर में मेरा वो टाइफर का एग्जाम था। हाँ, तो फिर इसलिए मतलब मैं टाइफर इसलिए डाली थी कि ताकि मैं IIT जेम से पहले एक तो एग्जाम में बैठ जाऊं। और फिर उसके बाद ऐसे करके मैं करती गई। और प्रीवियस ईयर में बहुत लगाई, बहुत बार। और मतलब ग्रुप था टेलीग्राम, मैं उसमें मतलब रहती थी तो मुझे जो भी डाउट होता था मैं उसमें डाल देती थी। उसमें जो सीनियर रहते थे वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किए। और फिर उसके यार बाद काफी मोटिवेशन मिल रही है मेरे को आपसे मतलब काफी ज्यादा सच में। और अच्छी रही आपने मतलब कितने टाइम में सिलेबस अपना कवर कर लिया था। जैसे एक तो थ्रेटिकल पार्ट होता है, एक हमारा मतलब प्रैक्टिस हाँ, का पार्ट रह जाता है, तो कितने टाइम में आपने कवर कर लिया था? मेरा कोर्स सितंबर में खत्म हो गया था, मतलब सितंबर एंड। तो उसके बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और जो यूट्यूब पे लाइव सेशन चलते थे कोचिंग के, मैं बस पार्टिसिपेट करता था, और वो मटेरियल था बस वही सॉल्व करता था मैं, मतलब और वो था मेरे लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में मतलब जैसे कि आप दिन को डिवाइड कैसे करते थे, मतलब दिन में पढ़ने का टाइम वगैरह कुछ ऐसा? दिन मैं ऐसे जैसे डिवाइड नहीं करता था, मैं सुबह उठता था, मैं टारगेट बना लेता था कि आज मुझे 9 घंटे पढ़ना है, अब वो 9 घंटे मैं कभी भी पढ़ूंगा, पर एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे 9 घंटे कंप्लीट हो जाने चाहिए पढ़ाई के। तो मुझे ऐसा लूट नहीं रहता था कि मुझे अब पढ़ना है तो मुझे अब लगातार 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, कि मेरा एक स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता था। मैं सिर्फ सोच लेता था कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, वो फिर मैं वो कभी भी कर लेता था। और जैसे अब केमिस्ट्री में 3 डिवीजन होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो जैसे मेरा ऑर्गेनिक वीक था, तो मैं ऑर्गेनिक क्लोज करता था, मतलब जैसे 9 घंटे में से 4 घंटे ऑर्गेनिक को दिए, बाकी फिर हर अल्टरनेट फिजिकल इनऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक। अच्छा ठीक है, काफी अच्छे से मतलब डिवाइड कर लिया था आपने। अगर 9 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास कितने मंथ बचे थे बाकी के? सितंबर के बाद तो मैं पूरा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की मैंने, मतलब जो असाइनमेंट आते थे और डीपीटीज और प्रीवियस प्रीवियस ईयर, तो मतलब मैंने बहुत लगाए, मुझे क्वेश्चन पेपर कट गए थे इतने लगाए थे मैंने। और स्टडी में लगे क्वेश्चन आपने कहीं से मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए थे या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाए थे? नहीं, मॉक टेस्ट तो दिए थे, कितने वगैरह कुछ मतलब भी अराउंड काउंटिंग? काउंट तो ऐसा कुछ याद नहीं मुझे, पर जैसे हमारी कोचिंग में जैसे टेस्ट डिवाइडेड रहते हैं, जैसे मेजर माइनर पार्ट और यूनिट टेस्ट, तो वो सारे दिए थे मैंने, अराउंड 50+ टेस्ट रहते हैं उसमें, वो सब दिए थे। और जो दूसरी कोचिंग भी जो फ्री में करवा रही थी मॉक टेस्ट, वो भी दे दिए थे सारे, अच्छा सब ठीक में है। कर दिया था।
और आपने कॉमर्स कितने मतलब मॉक टेस्ट पेपर वगैरह आपने मैनेज कैसे किए थे, क्योंकि आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे थे, अपनी ओर से कर रहे थे, और आपने सिलेबस नवंबर तक कर लिया था, टीफर एग्जाम आ रहा था, तो उसके बाद PYQ आपने अच्छे से काफी अच्छे से लगा लिए थे, तो उसके बाद फिर आपने कहाँ से मतलब बाकी मॉक टेस्ट पेपर देने तो कहाँ से किया अरेंज फिर वो? मैं मॉक टेस्ट के लिए जे केमिस्ट्री को ली थी, जे केमिस्ट्री, फिर वहां से मतलब आपने वहां मॉक टेस्ट से पेपर मैं लिए? उसको देती थी और यूट्यूब पे लाइव सेशन लेते थे, मैं उसको भी दे देती थी, टाइम रहता था। और फिर जैसे कि कभी कभी होता था कि मतलब जैसे IFA से वो ज्यादा लॉन्च करती थी प्री मॉक टेस्ट, तो मैं उसको भी देती थी। और फिर उसके बाद जो नहीं आता था मॉक टेस्ट में, मुझसे साल्व नहीं होता था, नहीं गलत मैं कर देती थी, उसको मैं अपने नोट्स में कर लेती थी और टिक लगा देती थी रेड पेन से कि मुझे इसको रिवाइज करना है, पता नहीं एग्जाम में यही आ जाए। मैं ये सोच के मतलब उसको लिख देती थी, और मैं रिवाइज मतलब, और मैं ये सोच के भी पढ़ाई करती थी, मेरा जो मतलब कंटेंट रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, और जो मतलब मैं करूंगी वो मतलब बार बार मैं उसको रिवाइज करूंगी। तो फिर बस मैं ज्यादा ज्यादा रिवीजन की। मतलब आपने रिवीजन पर काफी ज्यादा जोर दिया। और चिरायु, आप मतलब रिवीजन का क्या रहता था आपका? रिवीजन तो मस्त है, मेरा तो 3 बार हो गया था रिवीजन, मतलब सितंबर मैंने डेढ़ डेढ़ महीने डिवाइड कर लिए थे कि 1.5 महीने में मैं पूरे मॉक टेस्ट एक बार दूंगा, फिर क्वेश्चन सारे सॉल्व करूंगा, और मतलब हर दिन एक मतलब एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का एक टॉपिक करूंगा। तो मतलब ना तो नहीं लगाओ, थोड़ा जल्दी हो गया, पर मतलब ऐसा कि मैंने आराम से किया, क्योंकि क्या है रिवीजन ही मेन रहता है, तो इसलिए मैंने मतलब एक एक चीज को बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और उसी से वो उसका एक फायदा भी मिला मुझे कि जब मैंने बार किया तो एक मतलब बहुत अच्छा, उससे मतलब मेमोरी एक तो स्ट्रांग हो जाती है, फिर फॉर्म फिजिकल में तो भर भर के फॉर्मूले हैं, तो मैंने तो पूरा एक बना लिया था और वो दीवार पे चिपका दिया था, मैं रोज सुबह उठ के उसको पढ़ता था, तो आदत हो गई थी कि रोज सुबह उठ के मेरी एक हैबिट हो गई थी कि कुछ करना नहीं करना पर ये तो जरूर पढ़ना है, तो उससे एक मतलब एक वो हो गई थी कि थोड़ी कमांड आ जाती है न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले याद, तो उससे एक फायदा मिला मुझे। दैट्स ग्रेट। मतलब आपका ये एक वे होता था रिवीजन करने का भी, जहाँ सुबह उठकर मतलब ऐसे रिवाइज करने का जो आपने कहा था। और नोट्स का क्या हाल चाल है, मतलब नोट्स आप वगैरह कैसे बनाते थे? नोट्स तो मैं जो लेक्चर चलता था उसके साथ साथ बनाता था, मैं बार बार एक ही लेक्चर को 2 बार नहीं देखता था, मैं एक ही लेक्चर को बीच में पॉज कर लेता था, फिर बीच बीच में नोट्स बना के वापस रिज्यूम। तो फिर मतलब नोट्स बनाने में टाइम कितना जाता था दिन में, मतलब कितने नोट्स घंटे बनाने नोट्स में बनाने जैसे, में? हाँ जैसे अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो मुझे 2 2.5 घंटा लगता था पूरी क्लास खत्म करने में, नोट्स बनाने के साथ मैं नोट्स बनाता था, उसको अलग से ऐसे टिक मार्क बुक मार्क कुछ भी लगाना वो सब करके, मतलब अराउंड मतलब आधा घंटा से 45 मिनट ही एक्स्ट्रा लगता था मुझे नोट्स बनाने ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब कि दिन में जैसे आपने 9 घंटे कहे हैं, तो मतलब उसमें आप सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे निकालते थे? में। सेल्फ स्टडी के लिए जब मेरी लाइव कोचिंग चलती थी तो 4 क्लास दिन की रहती थी, तो उसके बाद ओ इतना सारा पता था, तो उस टाइम तो मैं अराउंड जो रोज पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ता था, पर जैसे मेरा कोर्स खत्म हुआ फिर जो पूरे 9 घंटे थे वो मैं पूरा सेल्फ स्टडी करता था, अपार्ट फ्रॉम अच्छा ये यूट्यूब के सेशंस भी उसमें इंक्लूड करता था। ओके 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 और कोमल, आपका नोट्स बनाने का क्या वे रहा था, मतलब आपको आपको फुल कंटेंट यार मिला कैसे, मतलब यूट्यूब पर कहाँ कैसे कैसे ढूंढा आपने, ये स्ट्रगल ऐसा ये कैसा स्ट्रगल था आपके लिए? बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अरे यार उसका नेटवर्क इश्यू आ गया।